हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 2 अप्रैल 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूं। तो चलिए देखते हैं। अभी फर्स्ट पेज पे आप आ जाइए, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया रसिया ट्राइंग टू बाईपास सैंक्शन। ठीक है, जो सैंक्शंस लगाया गया है रशिया का, उसके ऊपर बात की जा रही है। सर्जे लेवरोव होल्ड डिस्कशन विथ मोदी एंड जयशंकर, यानी कि मोदी जी से और एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे, जो रशिया के जो हैं फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव, वो डिस्कस कर रहे हैं। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। अब इसमें ये देखिए कि रशिया से ऑयल, ठीक है, इंपोर्ट कराने की बात को लेके फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने क्या कहा है फ्राइडे को। उन्होंने बोला कि जो जब हमें ये जो ऑयल है वो चीपर रेट में मिल रहा है, तो हम क्यों ना इंपोर्ट कराएं। उनका ऐसा मानना है क्योंकि उन्होंने ये कहा कि वो अपनी कंट्री को, अपनी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट पे रखती हैं और एनर्जी सिक्योरिटी उनके लिए फर्स्ट पे आती है। ठीक है, और अगर फ्यूल में इतनी ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो वाई शुडेंट आई बाय इट, वो बोल रही है कि क्यों ना ख़रीदा जाए फिर। ठीक है, तो इस ये न्यूज़ में ये है इससे रिलेटेड। अभी दूसरा सेम पेज पे ही है, एन अम्ब्रेला इन्वेस्टिगेटिव बॉडी अर्जेंटली नीडेड, CJI। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है NV रमना, उन्होंने बोला कि एक अम्ब्रेला इन्वेस्टिगेटिव बॉडी की ज़रूरत है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि ये हेल्प करेगा CBI, ED, SFIO और इन सबको एक रूफ के नीचे रखने के लिए, मतलब एक अम्ब्रेला स्कीम होगा। ठीक है, उसकी ब्रांचेस, मतलब एक ही साथ, ये होता नहीं कि अम्ब्रेला स्कीम उसे कहते हैं जैसे एक छत के नीचे सारी चीज़ें आ जाना कह सकते हैं। ठीक है, अंडर वन रूफ, तो इस चीज़ की बात इस आर्टिकल में करी गई है। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आज के लिए। आप एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाओ, इसमें आपको ये पढ़ना है श्रीलंकाज रेज। ठीक है, इसमें जो प्रेसिडेंट के राजपक्षा हैं, जो प्रेसिडेंट श्रीलंका के, उन्होंने जो एक पॉपुलर एंगर और फॉर्मुलेट रिकवरी जो प्लान आया है उनका, उस चीज़ को लेके बताया गया है इसमें। तो ऑल अबाउट श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड है। उसके बाद आपको ये पढ़ना है बिम्स्टेक आफ्टर द कोलंबो समिट। तो आपको ये पिछले जो मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था द हिंदू का, तो उसमें बताया था कि बिम्स्टेक की मीटिंग, यानी बिम्स्टेक का जो समिट है वो हैपन कहाँ हुआ, पे किस जगह हुआ, कोलंबो में। ठीक है, श्रीलंका में कोलंबो में हुआ, और वहाँ किस तरीके से बात की गई बिम्स्टेक को लेके, एक सारे मेंबर को एक साथ एक्शन लेने की बात करी गई, तो उस चीज़ को लेके एक्सप्लेन करा गया है डिटेल में। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको ये पता है परीक्षा पे चर्चा, ठीक है, हुआ कल दिखा रहे थे उससे रिलेटेड न्यूज़ में भी, तो उसमें एक ये है जो कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसको एक इशेंशियल बताया गया है प्राइम मिनिस्टर जी की तरफ से स्टूडेंट को, कि ये क्रिएट करेगा न्यू इंडिया, मतलब न्यू इंडिया को क्रिएट करने के लिए जो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी लाई गई है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को रिलेटेड बताया गया है इसमें। आगे देखते हैं। अभी ये देखिए, सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया है अंटार्कटिका बिल। ठीक है, गवर्नमेंट ने फ्राइडे को इंट्रोड्यूस किया है अंटार्कटिका बिल लोकसभा में। ठीक है, उस चीज़ को लेके है, और ये जो है बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया है साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि एक प्रोहिबिट इंडियन एक्सपेडिशन होगा अंटार्कटिका को कैरी करने के लिए सर्टेन एक्टिविटीज़ पे। ठीक है, तो उस चीज़ को लेके एक्सप्लेन में बताया गया है, इसको आपको रफली पढ़ लेना है। अभी ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, ध्यान रखिएगा, पास नहीं हुआ है अभी। आगे देखते हैं। जो नेपाली PM है दौबा, वो आए हुए हैं 3 दिन के विजिट पे इंडिया। ठीक है, इस चीज़ को लेके ये आर्टिकल है। तो इसमें ये है कि वो JP नड्डा जी से मिले BJP हेडक्वार्टर पे, और उन्होंने उनका शेड्यूल तैयार किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से भी मिलने के लिए आज। ठीक है, तो उससे ये अभी ये देख लीजिए, इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि जो मिस्टर दौबा है उनकी फर्स्ट बायलेटरल विजिट है। ठीक है, कब, जब वो उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, वो लास्ट जुलाई में वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके बाद उनकी ये फर्स्ट बायलेटरल मीटिंग है। ठीक है, और वो 3 दिन के विजिट पे हैं, तो ये देखिए आगे देखने को मिलेगा कि क्या क्या उनके बीच में क्या प्रोजेक्ट साइन किया, क्या कुछ किया, तो वो आगे पता चलेगा आगे के दिनों में, 3 दिन विजिट में। और आगे देखते हैं।
इसमें यह है कि ड्रग ट्रैफिकिंग वाया फ्रीट कंटेनर्स आ मेजर चैलेंज। तो फ्रीट कंटेनर के थ्रू जो ड्रग ट्रैफिकिंग की जा रही है वो एक मेजर चैलेंज है, उस चीज़ को लेके ये बताया गया है। ठीक है, तो इसमें यह है कि एजेंसीज जो है वो ट्राई कर रही है कि क्रिमिनल जो सिंडिकेट है उसे पकड़ सके जो स्मगलिंग मोड में चल रही है, तो उस चीज़ से ये रिलेटेड है आर्टिकल, इसको आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं, उसके बाद ये वाला पढ़ना है रिकॉर्ड नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल। ठीक है, तो ऑलिव रिडली टर्टल को देखा गया है। साइंटिस्ट ने ये भी बताया है कि 6000 टर्टल जो गैदर हुई है उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनके ब्रीडिंग बिहेवियर को लेके इंफॉर्मेशन पता चली है कि उनके ब्रीडिंग बिहेवियर क्या है। ठीक है, और रिकॉर्ड किया गया है 4.92 लाख, ठीक है, ऑलिव रिडली टर्टल वो पाया गया है जो कि रूसी कुल्या कोस्ट है जो उड़ीसा में, वहाँ पे पाया गया है। ठीक है, तो ये इस चीज़ से टर्टल से रिलेटेड न्यूज़ है। और मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है कि मार्च 30 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये नोट, ये उन्होंने बताया कि स्पेकुलेटिंग नेस्टिंग है जो, और ये टैग किया है कि टर्टल को कि कितने ज़्यादा टर्टल वहाँ से पाए गए हैं जो कि 6000 उन्होंने बताया है। तो इसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसकी टीम भी मॉनिटर कर रही है नेस्टिंग पॉपुलेशन को, काउंटिंग को। ठीक है, उस चीज़ को लेके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो भी एक्टिव है, तो उस चीज़ को लेके है। आगे देखते हैं क्या आपको, बाद आप इस वाले पे आ जाइए, चाइना स्लैम रशिया सैंक्शन इन समिट विथ ईयू। तो आप ये देखिए कि चाइना ने स्लैम किया है कि जो रशिया पे सैंक्शंस लगाए गए हैं उस चीज़ को लेके, एक वर्चुअल मीट हुआ। बीजिंग ने ब्लेम किया है यूएस को कि उसने पुश किया है एक्सपेंड करने के लिए नेटो को क्लोजर रशिया बॉर्डर के, इस वजह से ये सब हैपन हुआ। और उसके बाद जो सैंक्शंस लगाए यूएस ने उस चीज़ को भी एक हिसाब से उसने बोला कि ये गलत ठहराया है। ठीक है, आगे देखते हैं, उसके बाद ये पढ़ना है जीएसटी कलेक्शन हिट न्यू हाई इन मार्च। तो जीएसटी कलेक्शन जो है उसका एक न्यू हाई देखने को मिला है मार्च में। ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने रिकॉर्ड किया है ₹1.42 लाख करोड़ रिसिप्ट। ठीक है, इंडिकेट हुआ है फास्टर रिकवरी का। तो ये देखिए कि जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा अमाउंट में हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिला है, तो ये अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आपको अगर दिन का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।